इटावा थाना जसवंत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चादनपुर बीबा मऊ का मामला है। दरअसल अवधेश कुमार अपने घर के सामने ग्राम पंचायत की जमीन पर लगभग 40 साल से कब्जेदार है। 22 दिसंबर को इसी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान एक महिला और लड़की सहित 3 लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत जसवंत नगर थाने में की गई, लेकिन दबंगों की साठगांठ से पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला है जब किसी दबंग ने कब्जा और मारपीट की हो। ऐसे कई मामले इटावा में पहले भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि दबंगों ने पहले भी कब्जा करने की कोशिश की और गरीब के ब्लाट में रखा सामान भी फेंक दिया और आधा दर्जन असलाह के दम पर दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन गांव वालों की मदद से कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। पीड़ित अवधेश कुमार ने तत्काल 100 नंबर पुलिस को फोन कर उक्त घटना की जानकारी दी, लेकिन थाना जसवंत नगर पुलिस ने अभी तक पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है। मामला साहब, को हमारे घर के सामने हमारी पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई थी साहब, दबंगों ने ले ली है, उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और साहब आए दिन धमकियां दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं साहब। और मैं थाने में भी 2 बार गया हूं, वहां भी एप्लीकेशन दी है तो पुलिस आई है, तो उस समय उन्होंने डर की वजह से किसी और को बैनामा कर दिया, वो दबंग लोगों ने ले लिया है। आज सुबह आके सुबह मेरी माँ को मारा है और उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। मेरा सामान रखा था प्लॉट पे तो उन्होंने फेंक दिया है और मेरी माँ के सोटा मारे हैं साहब। तो इस मामले में आपने अपने थाने में रिपोर्ट दी है? थाने में रिपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं साहब, सुबह 100 नंबर पे कॉल की थी तो पुलिस के आने के वजह से वो भाग गए साहब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं साहब इस पर सख्त कार्रवाई चाहते, इनको विरोधी हैं जो मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। अच्छा ठीक, मामला था चार पांच लोग थे। अच्छा, आपको मारा भी है? जब फेंक दो तो फिर परे मारो। अच्छा।